श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय दशम द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान श्लोक संख्या 36 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तत्र तत्र तत्रत्य ही हरि ही प्रत्युध्यतारहण सायं भेजे दिशं पश्चात गविष्ठो गांगतस्तदा। शब्दार्थ तत्र तत्र विभिन्न स्थानों में ह ऐसी घटना घटी तत्रत्य ही स्थानीय निवासियों द्वारा हरि ही भगवान प्रत्युद्यत अर्हण भेंटे तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाकर सायं शाम भेजे आने पर दिशम दिशा पश्चात पश्चिमी गविष्ठ आकाश में सूर्य गाम समुद्र को गतः चला गया तदा उस समय। अनुवाद इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते हैं। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य यहाँ यह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं हैं। चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यदि भी उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वर्ग स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता है, वे आत्माराम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता, यह संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अंततः कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक को की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। हमारा प्रश्न ये आया ना, गुरु की राय लेनी चाहिए क्यों? अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक को की यानी कि गुरु की राय लेनी चाहिए जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है, इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं तो कल हमने देखा कौन से प्रांत से जाकर आए, पंजाब, कुरुक्षेत्र, मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर सौराष्ट्र, गुजरात और फिर द्वारका गए। तो क्या हुआ इन प्रांतों में, ये आज के श्लोक में वर्णन है। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई।
संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान यानी कार्य करने के लिए, संध्या कार्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते हैं। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। देखिए, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कोई कार्य करने की, फिर भी भगवान यहाँ संध्या करने के लिए रुकते हैं। संध्या में गायत्री जप करता है, करना है, भगवान की आरती करनी होती है, तो स्वयं भगवान क्यों ऐसा करते हैं? यहाँ वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और सब लोग जानते थे ज़्यादातर। ये जो अपने युधिष्ठिर महाराज, पांडव, ये सब जानते थे कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, फिर भी भगवान प्रणाम करते हैं बड़े को, युधिष्ठिर महाराज को जानते हुए भी, क्योंकि भगवान शिक्षा देते हैं। भगवान जब हस्तिनापुर से निकल रहे थे तो सब ब्राह्मण भगवान की पूजा करते हैं। एक्चुअली ब्राह्मण भगवान क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे थे और ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर, तो ब्राह्मण को क्षत्रिय की पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर भी ब्राह्मण को मालूम था कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है कृष्ण, इसीलिए उनकी पूजा की जाए। और भगवान ने भी ब्राह्मणों की पूजा की, तो ऐसा कैसे, वो क्या जरूरत है उनको, क्यों पूजा करते? ये संध्या, हम बद्ध जीव है इसीलिए हमको संध्या करना होता है, ये सब ब्राह्मणों का सम्मान ये सब करना है, तो भगवान को क्या आवश्यकता है संध्या करने की? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि एक्चुअली भगवान एक मनुष्य की भूमिका कर रहे, अदा कर रहे थे, और यदि भगवान हमको सिखा रहे थे कि मनुष्य जीवन के जो हमारे कर्तव्य है वो हमें पूर्ण करना चाहिए, वो सिखाने के लिए भगवान कर रहे हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान सिखाएंगे तो सामान्य जीव उसका अनुसरण करेंगे तो भी ये सब धार्मिक कर्तव्य करेंगे, तो भगवान कभी चूकते नहीं है ये सब धार्मिक कर्तव्य करने के लिए, सिखाने के लिए। वो जैसे अच्छा कर्म करते हैं तो उसके अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म की बुरा फल मिलता है, तो ये सब सिखाते हैं भगवान कि उनको कोई कर्म बंधन लगता नहीं है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि ये सब भगवान ये सब कर्तव्य करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है, वो मनुष्य रूप में है इसलिए उनको कर्तव्य करना पड़ता है। नहीं, वो कारण नहीं है कि भगवान ये सब कर्तव्य करते हैं, कारण ये है कि उनका अनुसरण करेंगे लोग। अगर वो ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो लोग कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचेंगे मूर्ख लोग। इसलिए भगवान हम लोगों को, बद्ध जीवों को, धार्मिक कर्तव्य से विचलित नहीं होने के लिए ये सब कर्तव्य करते, ये हमें समझना है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि वो शिक्षक बन के आते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान है, वो हमें सिखाने के लिए वो सब करते हैं। जैसे आगे भी मैंने कहा था कि टीचर लिखते हैं, एक लिखते हैं, धीरे धीरे ऐसे लिखना है एक, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता है, लेकिन टीचर आचरण करते हैं और सिखाते कि इस प्रकार से है, एक लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, तुमको सिखाते, इसका मतलब ये टीचर को नहीं आता है। तो ये भगवान जगत गुरु है, भगवान आदि गुरु है, और आदि गुरु का कर्तव्य के हिसाब से भगवान सिखाते हैं, कि नहीं तो लोग मिसगाइड हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे अपने धार्मिक कार्य से। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके, अनुसरण कर सके। वास्तविक उपदेश की यही विधि है, मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी यही शिक्षा दे। अभी गुरु होगा, गुरु बोलेगा ये करो वो करो, अपने कर्तव्य करो, सब सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती आओ, सोला माला करो, मांसाहार नहीं करो, ये सब गुरु सिखाते हैं, लेकिन गुरु ये आचरण नहीं करे तो शिष्य उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। तो गुरु देखते हो कि गुरु मुझे सिखाते हैं और गुरु का आचरण भी ऐसा है, गुरु सब नियमों का पालन करता है, गुरु मंगला आरती में आता है और भगवान की लीला में आस्वादन प्राप्त करता है, तो इसीलिए
क्षीराधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। वो भगवान की लीला प्रतीक्षण आस्वादन करते हैं, इसीलिए वो शिष्य को भी सिखाते हैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करना और भगवान के आदेश का पालन करना, जिसे हम आध्यात्मिक दिव्य सेवा से सेवा में जुड़ सकें और सेवा का दिव्य स्वभाव हमको मालूम पड़े। तो ये है गुरु का कर्तव्य। अतएव सारे कर्मों के अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्या है कि अभी जैसे सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वो गोवर्धन भी उठाते हैं, 16,108 रानियों के साथ शादी भी करते, करोड़ों गोपियों के साथ वो लीला भी करते हैं, गोवर्धन भी उठाते हैं और इस प्रकार संध्या कार्य भी करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम भी भगवान की तरह अन्य स्त्रियों के साथ रास नृत्य करें क्योंकि कृष्ण ने किया है, और गोवर्धन भी उठा सकते उठाए हम, या ऐसी भगवान का अनुकरण करें नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए एक अनुभवी मार्गदर्शक का जरूरत होता है, और वो अनुभवी मार्गदर्शक है गुरु। गुरु बहुत हो सकते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, तो ये सब गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं कि कृष्ण के उपदेशों का पालन करना है, कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करना है, नहीं कि कृष्ण का अनुकरण करना है। कृष्ण अपनी भगवत्ता दिखाते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वो हमें अनुकरण नहीं करना है, लेकिन उसमें से क्या सीखना है कि गोपियाँ भगवान के शुद्ध भक्त हैं और गोपियाँ कभी भी भगवान का भोग नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और ये गोपियाँ भगवान की सेवा के लिए करोड़ों जन्मों तक नरक जाने के लिए तैयार है। एक कथा आती है, एक बार नारद मुनि कृष्ण के पास जाते हैं, तो कृष्ण थोड़े बीमार थे, वो बीमार नहीं होते हैं फिर भी एक उपदेश के लिए वो बीमार पड़ते हैं, तो नारद मुनि बोले क्या हुआ, मुझे बहुत सर दर्द है और बुखार है, तो आप डॉक्टर को बताइए। नहीं, इसका एक ही दवाई है कि मेरे शुद्ध भक्त के चरण के अमल की रज मेरे सर पे घिसेंगे तो मेरा बुखार भी अच्छा हो जाएगा, मेरा सर दर्द भी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या है, मैं लेके आता हूँ। नारद मुनि सबसे पहले सभी के पास जाते हैं, द्वारका की रानियों के पास, उद्धव ऐसे सब भक्तों के पास जाते हैं, तो सब बोलते हैं अरे हमारे चरण कमल की रज भगवान को लगाएंगे सर पे तो हम तो नरक जाएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, सब नम्रता से ना बोलते। फिर नारद मुनि गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को बोलते हैं, बोला क्यों चाहिए, तो सब गोपी हाँ हाँ ले लो ले लो, भगवान को अच्छा हो जाएगा ना, चाहे हमको नरक में जाना पड़े कोई बात नहीं। समझिए, ये गोपियाँ के साथ भगवान की, मतलब गोपियाँ कितनी उन्नत स्तर पर, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, वो नरक में जाने के लिए भी तैयार है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने गोपियों के साथ जो लीला की उसमें गोपियों को बहुत आनंद मिला, आनंद मिला, लेकिन गोपियों ने अपने आनंद के लिए भगवान के साथ लीला नहीं की। गोपियों रात को 12 बजे भगवान के पास गए सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की आनंद के लिए। उनको ऐसा नहीं हम कृष्ण का भोग करेंगे, कृष्ण के साथ आनंद करेंगे, नहीं, उनके हृदय में ऐसा सूक्ष्म विचार भी नहीं था कि वो आनंद करें। ये बात है, मतलब भगवान को सुख मिले इसीलिए वो सज धज के जाते हैं, और वो भगवान को सुख मिलता है तो वो सुख देखकर वो सुखी होते हैं, और यदि वो सुखी होते हैं उनकी आंखों में आंसू निकलता है तो वो अपनी निंदा करती है कि मेरी आंखों में से आंसू निकलता है इसलिए मैं भगवान की सेवा में बाधारूप होता है। तो ये है गोपियाँ, तो समझे बिना हमें ये लीला को अनुकरण नहीं करना है, अनुकरण तो हम करना ही नहीं है, लेकिन ये लीला के दिव्य स्वभाव को जानना है। तो ये कौन सिखा सकते हैं, हमारे गुरु। इसीलिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और यहाँ भगवान गुरु का भूमिका अदा कर रहे हैं कि किस प्रकार
हमें हमारा मनुष्य जीवन करना है। जैसे भगवान सब जगह से पसार हुए, सब लोगों ने गिफ्ट दी, भेंट दी, भगवान ने स्वीकार किया कि भेंट का। भगवान देखिए, भगवान के लिए हमें जरूर भेंट देनी चाहिए, भगवान को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। कितने लोग मूर्ख है जो भगवान बोलते, भगवान निराकार है, भगवान है नहीं। विष्णु, विष्णु की आराधना करनी चाहिए हमको, क्योंकि हमारे वर्णाश्रम, हम जो भी कार्य करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। नानु तत्तोष कारणम, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। श्लोक क्या है कि भगवान वर्णाश्रम का जो उद्देश्य है वो विष्णु की प्रसन्नता है, इसलिए हमारा जो भी कार्य है वो विष्णु की प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं कि हमारी प्रसन्नता। हालांकि विष्णु प्रसन्न होंगे तो अब जीव अपने आप प्रसन्न होगा। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा मतलब आत्मा अपने आप प्रसन्न होगा यदि वो भगवान कृष्ण की हेतु की भक्ति करेगा तो। लेकिन अगर उस वो सोचेगा कि मैं खूब कीर्तन करूँ, खूब आनंद आएगा, तो उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान प्रसन्न होंगे जरूर, लेकिन जो हमें हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। वो सकाम भक्ति है कि मुझे प्रसन्नता मिलेगी इसलिए मैं भगवान की सेवा करता हूँ, नहीं। हमें निष्काम करनी है, और ये सब सिखाते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु। इसीलिए गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु हमें एक एक कदम पर आवश्यक है, हमें ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, सब सिखाते हैं। हमें सुबह सोते रहना चाहिए कि नहीं, नींद का आनंद लेना चाहिए कि नहीं, गुरु से पूछिए, गुरु सिखाएंगे। हमें बाहर का खाना खाना चाहिए कि नहीं, गुरु से पूछिए, गुरु सिखाएंगे। इसीलिए प्रभुपद भी प्रवचन में कहते हैं कि हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं आप घर से निकले, पेट भर के खाना खा के निकले और फिर कोई रेस्टोरेंट में आए, रेस्टोरेंट में देखा, चलो थोड़ा कट चौक कटलेट खा लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रभुपद कहते हैं प्रवचन में ऐसा नहीं होना चाहिए, कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो ये गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, और हमारा 24 घंटा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम क्यों कहते हैं गुरु को वंदन क्यों करते हैं? क्योंकि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः। सभी शास्त्र और सभी आचार्य ये बताते हैं कि गुरु भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रिय सेवक है, यानी ये सेवक भगवान है। भगवान सेव्य भगवान है और गुरु सेवक भगवान है। तो ऐसा नहीं कि गुरु हमें भगवान के जितना ही गुरु को सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए भगवान के समान। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रिय सेवक नौकर है। तो ये रूप में हमें भगवान की सेवा करते हैं। तो हम व्यास पूजा करते हैं क्यों? तो व्यास पूजा के भगवान हो गए गुरु? नहीं, व्यास पूजा इसलिए करते हैं कि ये गुरु हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं, भगवान का उपदेश हमको देते हैं और हमारा संबंध गुरु के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे महान आचार्य, महान गुरु की हमें पूजा करनी चाहिए भगवान के समान, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का नौकर है, और भगवान के नौकर की हमें जरूर पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान, क्योंकि वो इतना महान कार्य करते हैं, वो हमें भगवान, हमारे भगवान के लिए हमारी ये करते हैं, रिकमेंड करते हैं भगवान को कि ये आपका अंश है, आप उनको अपनी सेवा में लीजिए। गुरु का ये कर्तव्य है, पारदर्शक गुरु बोलते हैं ना। ऐसा नहीं गुरु को शिष्य भेंट देते हैं तो गुरु ले लेते हैं, चलो ये सब मेरा हो गया, मेरा हो गया। वो उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं वापरता, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए वापरते हैं। तो ये है गुरु, पारदर्शक गुरु। तो ऐसे गुरु की हमें वंदना करनी चाहिए हमें सतत। तो यहां तो कृष्ण, कृष्ण किसकी पूजा करेंगे? भगवान जब नारद मुनि ही द्वारका के महलों में मुलाकात कर रहे थे, तो कहीं कहीं कृष्ण सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके
ध्यान में बैठ जाते हैं, किसका ध्यान करते हैं? भगवान परम परम ब्रह्म किसका ध्यान करेंगे? तो ये सिखाते हैं, यज्ञ करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान को यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, वही तो भोक्ता है, फिर भी वो यज्ञ करते हैं, हमको सिखाते हैं गुरु। इसीलिए आदि गुरु है भगवान, और सभी गुरु भगवान के अनुसरण करते हैं। वो गुरु भगवान की सेवा करते हैं, हरे कृष्ण, वो भी गुरु भी सोला माला करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी गुरु हो गया मुझे आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद, आप देखिए प्रभुपाद हमेशा अपना हाथ चैंटिंग बैग में रहता था, हमेशा वो हरे कृष्ण का जप करते रहते थे। तो ये सिखाते हैं गुरु, उनको आवश्यकता नहीं। वो प्रभुपाद कहते हैं मैं कभी ऐसा क्षण नहीं था जब मैं कृष्ण को भूला हूं, प्रभुपाद कहते हैं। तो फिर क्या आवश्यकता है आपको माला करने की? नहीं, सिखाने के लिए। वो सतत उनका, वो पूर्ण रूप से अग्नि थे प्रभुपाद, वो लोहा नहीं थे, पूर्ण रूप से अग्नि थे। लेकिन सिखाने के लिए गुरु एक्चुअली फर्स्ट क्लास भक्त होते हैं, जो कृष्ण के साथ पूर्ण संबंध होता है, संबंध में साक्षात बात करते हैं। लेकिन वो सेकंड प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास भक्त होते हैं वो किसी को अभक्त नहीं मानते, सबको भक्त मानते, और वो सोचते हैं कि मैं तुच्छ भक्त हूँ। इसलिए प्रचार के लिए भक्त, शुद्ध भक्त या गुरु सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्योंकि सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म यानी जो भक्त होते हैं सेकंड क्लास भक्त, वो अभक्तों से दूर रहते हैं, निंदा, भगवान की निंदा करने वाले लोगों से दूर रहते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार वो प्रचार करता है, भक्तों को प्रचार करता है, भक्तों से दूर रहता है। तो गुरु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो ऐसा नहीं सभी गुरु फर्स्ट क्लास भक्त ही होते हैं, सेकंड क्लास कनिष्ठ अधिकारी भी होते हैं गुरु में। पर मेरा कहने का मतलब, जो शुद्ध भक्त होता है वो प्रचार नहीं करता है, वो उसको मध्यम अधिकारी पर आना पड़ेगा, सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म पर, तो ही वो प्रचार करेगा। क्योंकि गुरु जो फर्स्ट क्लास है वो किसी में ये भक्त सब भक्त है, तो किसको प्रचार करे वो, समझे? लेकिन प्रभुपाद सेकंड क्लास पर आते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये सब रहस्य है, ये सब सिद्धांत हमें सीखना चाहिए, और गुरु का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए कि नहीं गुरु करते हैं तो इसलिए हमको करना है, लेकिन देखना चाहिए कि वो भी आचरण कर रहे हैं कि नहीं। गुरु बोले कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें सिगरेट नहीं पीना है, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भागवत कथा करे और गला सूख जाए तो बोले लाओ जी बीड़ी लाओ, थोड़ा गला सूख गया है। ऐसे गुरु का अनुसार, ऐसे गुरु गुरु नहीं है, आचरण करना है गुरु को। ऐसा नहीं कोई देखने चलो मैं सिगरेट फूंक लूँ। जैसे बंगाल में ऐसा होता था, वो लोग कीर्तन बहुत सुंदर करेंगे और ऐसा दिव्य भाव में कर रहे ऐसा लगेगा, और गिर जाएंगे और कृष्ण के लिए बहुत कीर्तन करेंगे। वैसी मंडली आती थी जो प्रोफेशनल मंडली, हरे कृष्ण का कीर्तन बहुत सुंदर करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, फिर जब कीर्तन खत्म होता है पीछे जाके सिगरेट पी लेते थे, बीड़ी पीते, फूंकते थे। ऐसा है, ऐसा गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु पक्का, गुरु का कभी भी, गुरु आप गुरु के पास को कभी भी 24 घंटे कभी भी मिल सकते हैं, हालांकि गुरु की परमिशन लेकर, क्योंकि गुरु का जीवन खुला होता है, उसको कुछ छुपाने के लिए नहीं होता है, समझे? यहाँ तो लेकिन ये जो चीटिंग गुरु होते हैं, नहीं गुरु के पास अभी नहीं जाने का, वो अंदर रूम में क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये सब सीखना है। गुरु हमको बहुत बहुत सिखाते हैं किस प्रकार हमारे जीवन जीना है, ब्रह्मचारी वान, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये चार वर्ण और आश्रम में कैसे रहना है, ये सिखाते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा को हमको ग्रहण करना है। तो हम वर्णाश्रम के अंतर्गत रहकर कृष्ण की भक्ति करें गुरु के मार्गदर्शन से, तो हमारा परम कल्याण होगा। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत गुरु
कृपा के प्रत्यक्ष रूप है, इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। तो जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन से चलता है उनकी अवश्य प्रगति होगी, उसको ये शास्त्रों के सिद्धांत समझ में आएगा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्थे प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी गुरु और भगवान कृष्ण में श्रद्धा होगी, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिनकी भक्ति पर भक्ति होगी, शुद्ध भक्ति होगी, तस्य ते कथिता ही अर्थ है, तो उनके लिए जो शास्त्र के सिद्धांत है उनके हृदय में प्रकट होंगे, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ये व्यक्ति, तो कैसे भक्ति करेगा? क्योंकि भक्ति करना है तो भागवतम पढ़ना है, समझना है सब चीज़ें। हरे कृष्ण। तो पढ़ा लिखे नहीं होंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है, वो हृदय में ज्ञान मिलता है। इसलिए आज सव्यसाची प्रभु सबको मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, तो क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, चिंता नहीं करने की। ऐसा नहीं हम लोग पढ़े लिखे अगर कोई नहीं है तो वो भक्ति के लिए बाधा रूप है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सच्चा पढ़ाई यही है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान का मैसेज समझे। हमारी कहवत है ना, भणियों पर घणियों नहीं, ऐसा है। तो यहाँ बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, MBBS, MBA, ये वो, डॉक्टर, ये सब, BME, बहुत सारी डिग्री, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो कुछ काम का नहीं है। वो क्या पढ़ा इसके सामने? कोई जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है लेकिन वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मानते हैं, वो रियल लायक है गुरु के कृपा प्राप्त करने के लिए। हाँ, हमारे मेरे मदर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ओ, लेकिन वो मानते थे कृष्ण भगवान है, और सबको यही प्रचार करते, ये सब देव देवता की पूजा छोड़ो, सिर्फ कृष्ण को शरण पकड़ो। वो ऐसा बताते थे, ये सब पेड़ पत्ते छोड़, अरे पेड़ थड़ पत्ते सब छोड़ो, मूल पकड़ो, और मूल कौन है? कृष्ण है। वो सबको प्रचार करते थे, उनको इतना ये नहीं था, शास्त्र का ज़्यादा ये सब ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो प्रचार करते, और गुरु के प्रति उनका विश्वास था, कृष्ण के प्रति विश्वास था। तो ये विश्वास चाहिए, श्रद्धा। तो यही हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई क्या है? यही हमारी पढ़ाई है। आप नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, पहले कौन स्कूल में जाता था, कौन ये सब ये सब सीखता था? सिर्फ ब्राह्मण सीखते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय जाते थे युद्ध विद्या सीखने के लिए, और वैश्य तो अपने घर में ही पिता के पास रहकर सीखता था, और शूद्र को तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी पढ़ाई लिखाई की। ये सब चार सिस्टम दिया, आज तो शूद्र को भी भेजो जिसको कोई रुचि नहीं है पढ़ने में, वो वहां जाके सोएगा, फिर भी उसको भेजो। सबको डॉक्टर बनाना, सबको इंजीनियर बनाना है, कोई किसी को ब्राह्मण बनाना नहीं चाहता है। सब अभी मैं प्रचार के लिए गया था, एक ब्राह्मण का फैमिली था, बहुत अच्छा, वो उन्होंने हमारा तुरंत आया, उनसे थोड़ा बात भी किया, तो मैंने बोला आपका बेटा उसको ब्राह्मण बनाना, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण की बहुत आवश्यकता है, ये कर्म यजन याजन पठन पाठन। तो बोला हाँ, मैं बोला जरूर बनाओ, ब्राह्मण की हमको बहुत आवश्यकता है, लेकिन सब अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज देते, कोई ब्राह्मण बनाना नहीं चाहते हैं। ब्राह्मण बनाना चाहिए, ब्राह्मण ये समाज के लिए बहुत मार्गदर्शक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, और ब्राह्मण वैष्णव हो तो पूरा जीवन तो उसको गुरु बना सकते हम। तो ये सब चीज़ें हैं, गुरु कैसे होने चाहिए, ये सब भगवान हृदय में स्फुरित करेंगे, प्रेरणा देंगे। हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी, ये सबसे बड़ी हमारी पढ़ाई है। बने पढ़ते हैं लेकिन हमारे गणिया मतलब व्यवहारिक कुछ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं, हम सिर्फ कृष्ण भगवान है, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा विज्ञान ज्ञान मतलब हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो भक्ति ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम, तो ज्ञान क्या है? भक्ति करना,
और जब हम भक्ति करते हैं तो विज्ञान है, वो प्रैक्टिकल है। तो इसमें क्वालिफिकेशन, जब आप दीक्षा लेने जाते तो गुरु ये नहीं देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। आप क्या करते हो वो भी नहीं पूछेंगे गुरु, गुरु यही वो पूछेंगे कि आप कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, यही प्रश्न होता है ना। तो ये हम सबको समझना है। तो ये गुरु भगवान स्वयं साक्षात गुरु का भूमिका, साक्षात भगवान गुरु बन रहे हैं क्या, जो शिकार है कि संध्या वंदन करना चाहिए। तो ये सब सीख के हमको संध्या वंदन, मंगला आरती, ये सब करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।